celle que tu attends. हुमायूं की याद में बनवाया गया, जिनकी मौत एक लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर हुई, और इसका डिजाइन पर्शियन आर्किटेक्ट मिराक मिर्जा गियाज ने तैयार किया। इस बिल्डिंग पर वो नक्काशी नहीं जो ताज पर है, पर ये एक मैस्कुलिन टॉम। इस बिल्डिंग को नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के पहले बेटे अकबर और उनकी पहली पत्नी ने सन 1571 में तैयार कराया। इसे चार बाग गार्डन और पैराडाइज गार्डन के नाम से जाना जाता है, जिसे कुरान में अरेबिक जन्नत अल खुल्द माना गया है। यहाँ करीबन 2500 से ज्यादा पेड़ पौधे हैं। ये पैराडाइज गार्डन चार हिस्सों में डिवाइडेड है, जिसके बीच में वाटर चैनल्स है, ताकि पानी दो गेट्स पर आराम से टर्मिनेट हो सके। यहाँ करीबन 124 चैम्बर्स हैं, जहाँ 100 से भी ऊपर की ग्रेव्स हैं, और ये ग्रेव है नजीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की। ग्रेव्स पर अरेबिक स्क्रिप्ट की लिखावट देखी जाती है। इन जालियों से रोशनी अंदर आती है, जो डायरेक्टली इन ग्रेव्स पर पड़ती है। प्लेटफॉर्म पर खड़ा किया गया है, जिसकी हाइट तकरीबन 47 मीटर के करीब है। हिंदुस्तान का ये पहला ऐसा टॉम है जिसके अंदर रेड सैंडस्टोन्स और व्हाइट मार्बल्स का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया। इस महल में ये छोटे छोटे चैम्बर्स बने हैं, जिन्हें सराय कहा जाता है, और ये भी कहा जाता है कि किंग फिरोशा इसको अपनी हंटिंग पार्टीज के लिए भी यूज किया करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आए हैं, तो आइए जानते हैं कि वो कैसा एक्सपीरियंस महसूस कर रहे हैं। So, hello. Hello. What's your name? My name is Joy and I'm from Switzerland. You're from Switzerland? Actually, it's really close to the hotel. Okay. So, and it's really cool inside, actually. So, I was already in touch with it. And I'm really nice. Really nice. Exactly. So, how was that? It was really nice. Really. It was like, oh, that was interesting. So, yes. Do you know any history regarding this place? Actually, not so much already, but I was reading up right now on the internet. Okay, so you were reading on the internet regarding this place. Yes, exactly. Oh, that's really and amazing. Also I visited the museum which is here and on the plaques which are provided by this program. So you just came to the museum? Yes. Okay. So how was that? Just interesting. That's interesting. Yes. Very nice. Nice pictures. Okay, so you like many pictures. So except this place, which
1999 में आगा खान ट्रस्ट और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने मिलकर हुमायूं टॉम का रिस्टोरेशन वर्क शुरू किया जो 2013 में खत्म हुआ। 2014 में एक हैवी स्टॉर्म की वजह से टॉम के ऊपर का 18 फुट का हिस्सा टूट गया था जिसे दोबारा बनवाया गया और अब इसकी हाइट 24 फुट के करीब रखी गई है जो प्योर 99% कॉपर का है। शायद मिर्जाता हुमायूं का अस्तित्व उनके मर जाने के बाद, पर उनकी बेगम ने हसरत का एहसास दिला दिया। बदकिस्मत राजा की जिंदगी से जुदाई के बाद अकबर ने कब्र पर खूबसूरत मकबरा बना दिया। हुमायूं टॉम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ लव ऑफ अ वाइफ टुवर्ड्स हर डेड हस्बैंड। इट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ अ डेडिकेशन ऑफ अ वाइफ टुवर्ड्स हर हस्बैंड। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक इनिशिएटिव लिया ताकि वो हुमायूं टॉम को प्रमोट कर सके। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि यहाँ के आसपास के लोगों को डेली पासेस प्रोवाइड किए जाए जिससे लोग सुबह के टाइम आकर यहाँ पर ठंडी हवा और ताजी हवा में वॉक कर सके और इसी बहाने मुगल गार्डन का मजा उठा सके। ये तो सैर हुई हुमायूं टॉम की, अभी और भी जगहें दिखानी बाकी है लेकिन वो हम आपको दिखाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। खास बात है इस जगह की और ऐसी क्या चीज है जिस वजह से लोग इसको हॉन्टेड मानते हैं। हंटिंग लॉज की तरह यूज हो सके।
ताकि जितने भी शिकारगाह उस टाइम शिकार के लिए आते थे वो दिन में यहाँ आराम ले सकें। चीखें सुनाई देती हैं, जो रात को लोगों को रोने की आवाजें आती है और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील होती है वो ना हो। और रात गुजारते हैं वो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। तो यहाँ अजीब बात ये आती है कि क्या इन ऐतिहासिक खंडरों को एक हॉन्टेड प्लेस की तरह देखा जाए या फिर एक वरदान की तरह। हॉन्टेड जैसी बात नहीं है, ये सब लोगों के दिमाग में है कि उन्हें लगता है कि यहाँ पर आवाजें आती हैं। लेकिन उन लोगों का पुलिस स्टेशन यहाँ पे कब से है और वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा कुछ महसूस नहीं किया। लेकिन हाँ, उन्होंने एक बात जरूर बोली कि इस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड इसलिए रखा जाता है, हमेशा रिस्ट्रिक्टेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर तरह तरह के क्राइम होते हैं। यहाँ पर कोई खून करने किसी का आ जाता है या यहाँ पर रेप होते हैं, तो इसलिए इस जगह को रिस्ट्रिक्टेड कहा जाता है और इसलिए पुलिस वालों ने बाहर लिखा है कि यहाँ पे 11 से 4 एंट्री बंद है। भोली भटियारी के महल के पास दिल्ली जल बोर्ड का भी ऑफिस है, तो अब देखते हैं वहां जाकर कि उनका क्या मानना है। तो सर, आपके ऑफिस के बिल्कुल सामने जरी पीछे भोली भटियारी का महल है जो एक काफी खराब पोजीशन में है इस टाइम, और कहा जाता है वहां पर भूतिया आवाजें आती हैं। तो क्या आपने ऐसा कोई केस सुना है या आपने खुद महसूस किया ऐसा कुछ वहां पर? नहीं, मैंने ऐसा कोई ना महसूस किया है, मैंने सुना भी नहीं है। तो यहाँ पर जो पीछे भोली भटियारी का महल बना है उसके बारे में क्या कुछ जानते हैं? भोली भटियारी महल है यहाँ हमारे साथ, देखिए पहले बना होगा पुराना, हमारे तो पुराने लोग यहाँ पूरे चले गए, कभी रिटायर है कभी मर गए, जो इस उनको ज़्यादा ये तो ना हो, जितने हम जा रहे हैं उतने जानकारी दिए। यहाँ बढ़िया जगह ही, यहाँ लोग अच्छे घूमने आते, बुजुर्ग लोग आते हैं इस बारे में आवते हैं। और ये थोड़े दिन आगे स्कूल के बच्चों ने टेंट में डाल दिया यहाँ भूली भटियारी महल है, यहाँ पर भूत रहते हैं। क्योंकि हमने भी ऐसा ही सुना था कि आप भूतों की कोई ऐसी बात नहीं, कुछ भी नहीं। और कहते हैं कि इसकी देख रेख करने वाली एक लेडी का नाम भूली भटियारी था, तो उसके नाम उसी के नाम से बन गया। उसी के नाम यहाँ लेडीज रहती, उसी के नाम से लेडीज रहती, उसने एक अपने छप्पर डाल के झुग्गी से बनाए रखी कच्चा मकान, तो एक बादशाह यहाँ घूमने आओ तो घोड़ा था। अच्छा अच्छा, वो घूमने आओ तो उठा तो बोलते ज़्यादा जानकारी दे, बस घूम फिर के चला जाते हो, फिर उसके दिमाग में क्या बात है कि नहीं इसको बेटी से बात कर दो, तो फिर बादशाह फिर आगे कराओ, फिर बातचीत होते धीरे धीरे थोड़ा वो हो गया प्रेम में,
उसने बाद सर उसके लिए महल बनवाया। अच्छा, तो उस केयर टेकर के नाम पर ही ये महल बन गया पूरी बटियाली। माना तो इस जगह को हॉन्टेड प्लेस जाता है, लेकिन लोगों का तो कुछ और ही कहना था। तो आइए अब चलते हैं हमारे साथ दिल्ली की एक और जगह देखने, लेकिन इस ब्रेक के बाद। यहाँ समर्स में हर तरह के कपड़े तो अवेलेबल होते ही हैं, लेकिन विंटर्स का कलेक्शन तो सबसे लाजवाब है। गर्ल्स का ऊपर मिलेगा, एक तो लास्ट मिनट के अंदर चले जाओ, अब स्टेप मिलेगा दो शॉप। ओके, दो शॉप्स है ऊपर भी है यहाँ पर। ओके, थैंक यू। ये चाय कलर नया है, ये नया है। हाँ, एकदम नया है। साइज तो आगे आ गई बना, आगे आ गई। बहुत खूबसूरत और बड़ा सा मंदिर है, जिसकी मान्यता बुद्धिस्ट लोगों में बहुत है।